दोस्तों ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर टॉर्क टेस्टर के साथ है, टॉर्क टेस्टर विद मल्टीमीटर। इसे हम आपको अभी करंट चेक करके दिखाएंगे किस तरीके से करंट चेक किया जाता है टॉर्क टेस्टर से। यहाँ पर हम थ्री वायर का टॉर्क टेस्टर की मदद से करंट चेक करेंगे बारी बारी से। ये देखिए दोस्तों, इसमें 4 एम्पीयर का करंट भरा है। ये देखिए पीले वाले में कोई करंट नहीं भरा है, ब्लैक वाले में चेक करते हैं, इसमें भी 4 एम्पीयर भरा है करंट। तीनों का एक साथ चेक करते हैं तो 0 दिखा रहा है। इससे ये पता चलता है कि 3 फेज का अगर हम टॉर्क टेस्टर की मदद से एक साथ करंट चेक करेंगे तो 0 दिखाएगा, क्योंकि तीनों फेज का जो करंट बता है न्यूट्रल से वापस हो जाता है, मतलब जितनी करंट आ रही है उतनी वापस जा रही है, इसलिए 0 दिखा रहा है। इससे हम एक वायर का ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, हम लगाकर चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 9 एम्पीयर 10 एम्पीयर और यहाँ पे भी देख लीजिए 10 एम्पीयर बराबर दोनों में भर रहा है करंट। दोनों का एक साथ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए 0 दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि हम टॉर्क टेस्टर की मदद से सिर्फ बारी बारी से एक फेजों का करंट चेक कर सकते हैं, और 2 फेज या 3 फेज का चेक करेंगे तो उसमें 0 दिखाएगा, क्योंकि एक रिटर्निंग पाथ बन जाता है। आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।